नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम वाल्मीकि ऋषि, उनके साहित्य, दिव्य ज्ञान, रामायण रचना और रामायण में गायत्री मंत्र के अनोखे संबंध पर चर्चा करेंगे। चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि के जन्म और नाम में एक रूपता नहीं है। कुछ पुराण में उल्लेख किया है, वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण के घर अग्निशर्मा के रूप में हुआ था। स्कंद पुराण के नागरखंड में उल्लेख किया गया है कि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण लोहजंघा के रूप में हुआ था। कई पौराणिक कथाओं में वाल्मीकि का जन्म रत्नाकर के रूप में हुआ था उल्लेख है। वह अपने माता पिता के प्रति समर्पित पुत्र थे। उसकी एक खूबसूरत पत्नी थी और वे दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार थे। एक बार उनके क्षेत्र में वर्षों तक बारिश नहीं हुई तो उन्होंने अपने भूखे परिवार की खातिर जंगल में मिलने वाले लोगों को लूटना शुरू कर दिया था और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। रत्नाकर की इस जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात महान संत नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा, क्यों लूटपाट करता है और क्या आपका परिवार आपको पापों का भागीदार बनेगा? जब रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा तो उन्हें पता चला कि कोई भी उनके पापों का भागीदार नहीं बनना चाहता। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा और उन्होंने अपने जीवन पर पुनर्विचार करना शुरू किया। नारद के शब्दों से प्रभावित होकर तपस्या करना शुरू कर दिया और मरा शब्द का जाप किया। जैसे ही उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, शब्द राम बन गया, जो भगवान विष्णु का एक नाम था। अग्निशर्मा, लोहजंघा या रत्नाकर डाकू ने गहरे तप और ध्यान में कई वर्षों तक राम नाम का जाप किया। उनके तप के दौरान चींटियों ने उनके चारों ओर एक बांबी वाली बना दी। उसके शरीर के चारों ओर चींटियों की पहाड़ियां उग आईं। जब आर्षि वापस आए और उन्होंने चींटी पहाड़ी से मंत्र की ध्वनि सुनी तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने वाल्मीकि एक चींटी का झुंड के भीतर बैठकर महान सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए तुम दुनिया में वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे। वाल्मीकि ने नारद से शास्त्र सीखे और सभी तपस्वियों में अग्रणी बन गए, सभी के श्रद्धेय एक महान ऋषि बन गए। वाल्मीकि रामायण ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन की कथा का वर्णन करता है। यह हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह प्राचीन संस्कृत महाकाव्य केवल एक कहानी नहीं है बल्कि हिंदू संस्कृति में एक पूजनीय ग्रंथ है। वाल्मीकि को आदिकवि के रूप में माना जाता है क्योंकि उनके रामायण का महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने संस्कृत भाषा को उच्च कला के साथ प्रस्तुत किया। उनका नाम भारतीय साहित्य की महान धारणाओं में से एक है और उनका काव्य आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। रामायण विश्व साहित्य के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। रामायण शब्द राम और अयन के मेल से बनता है। राम का अर्थ अथर्ववेद में शांति से संबंधित है, दूसरा अर्थ महाभारत में सुखदायक, आकर्षक, प्यारा होता है। अयन का अर्थ है यात्रा। इस तरह रामायण का अर्थ होता है राम की यात्रा। रामायण का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और इसे विभिन्न कलारूपों जैसे शास्त्रीय नृत्य, नाटक और आधुनिक फिल्मों में रूपांतरित किया गया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक महाकाव्य बन गया है। लगभग 24,000 श्लोक ज्यादातर अनुष्टुप छंदों में लिखे गए हैं, जिसमें प्रति श्लोक 32 अक्षर होते हैं, जो एक लयबद्ध और काव्यात्मक गुणवत्ता उत्पन्न करते हैं। यह पूरा वृत्त के विचार के साथ पूर्व की घटित घटनाओं की कथाएं इतिहास की शैली में है, जो सात कांडों, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड में विभाजित हैं। वाल्मीकि रामायण और गायत्री मंत्र के बीच एक गहरा संबंध है। रामायण में हर 1,000वें श्लोक का प्रारंभिक अक्षर लें और ये अक्षर मिलकर गायत्री मंत्र बनाते हैं। महाकाव्य की शुरुआत राम के पिता दशरथ अयोध्या के राजा की तीन पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से होता है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। विश्वामित्र के साथ जाते हैं और अनेक राक्षसों को नष्ट करते हैं। इसके बाद राम सीता से विवाह करते हैं। अयोध्या कांड में राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक करने की इच्छा व्यक्त की और कोसल सभा और प्रजा ने इसे समर्थन दिया, लेकिन कैकेयी ने राम को 14 वर्षों के लिए जंगल में निर्वासित करने की मांग की।
राम अपने पिता के आदेश को स्वीकार करते हैं और सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में जाते हैं। राजा दशरथ को असहाय दुख से गुजरना पड़ता है और उनका निधन हो जाता है। अरण्य कांड में निर्वासन के दौरान एक दिन पंचवटी वन में रावण की बहन शूर्पणखा आती है, बहकाने की कोशिश असफल हो जाती है। इसके बाद उसके भाई खर और दूषण राम सीता और लक्ष्मण के खिलाफ हमला करते हैं, लेकिन राम उन्हें हरा देते हैं। रावण यह सुनकर मारीच के हेल्प में सीता के पास जाता है, अपहरण कर लेता है। किष्किंधा कांड में राम और लक्ष्मण हनुमान से मिलते हैं, सुग्रीव की मदद करते हैं और बाली को मारकर किष्किंधा राज्य को पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करते हैं। सुंदर कांड में हनुमान ने विशाल रूप धारण किया, समुद्र में विशाल छलांग लगाई। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लंका में प्रवेश करने के बाद उसने एक राक्षसी लंकिनी से युद्ध किया और उसे अपने अधीन किया। हनुमान ने राक्षसों के साम्राज्य का पता लगाया और रावण पर जासूसी की। उसने सीता को आश्वस्त किया और संकेत के रूप में अंगूठी दी। हनुमान को पकड़कर रावण ने पुच्छ में आग लगा दी, कई योद्धाओं को मारकर लंका दहन किया। युद्धकांड या लंकाकांड में राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध का विवरण है। राम सेतु निर्माण किया, रावण के भाई विभीषण से मिले। मेघनाद ने लक्ष्मण को घायल किया, हनुमान ने संजीवनी जड़ी बूटी की खोज करते हैं। राम ने रावण को मार दिया, फिर राम ने विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाया। सीता को अग्नि परीक्षा के बाद में राम और सीता अयोध्या लौटे और उनके राज्याभिषेक का जश्न मनाया गया। उत्तरकांड राम के अयोध्या शासन, लव और कुश के जन्म और वाल्मीकि द्वारा प्रशिक्षित अश्वमेध यज्ञ और राम के अंतिम दिनों का वर्णन करता है। राम के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के लिए हनुमान ने अपनी छाती फाड़ दी और अंदर राम और सीता की छवि दिखाया। अयोध्या शासन को राम राज्य कहा जाता है। इस प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।